तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं हूँ अंतागढ़ में, ये छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कांकेर से लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी पे है। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंतागढ़ से नारायणपुर। अंतागढ़ से नारायणपुर डिस्टेंस लगभग 60-65 किलोमीटर है, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा घाटियों वाला है और जंगल वाला रास्ता है, और रास्ते की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है। और रास्ते में बीच में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट भी आते हैं, मंदिर भी आता है, एक दंतेश्वरी मंदिर है, बीच में नदी भी है और काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। हालांकि बारिश के टाइम में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में, लेकिन वैसे देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। तो आज इसी रास्ते से मैं आपको पूरा जो नारायणपुर तक का जो रास्ता है वो दिखाने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से अंतागढ़ से लेकर नारायणपुर तक, नारायणपुर तक पूरा कंप्लीट रास्ता ऐसा ही, बस नारायणपुर से 8-10 किलोमीटर पहले थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, बाकी कंप्लीट रास्ता 50 किलोमीटर का ऐसा ही है। सामने से कोई गाड़ी आती है तो आपको स्लो करना पड़ेगा, रोड से नीचे उतारना पड़ता है। अभी तो ठीक है, मौसम सूखा है, लेकिन बारिश के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बारिश के टाइम में जो रोड के साइड में जो मिट्टी है वो नीचे उतर जाती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बीच बीच में कभी भी ऐसे अचानक गड्ढे आ जाते हैं तो काफ़ी केयरफुली चलाना पड़ता है यहाँ पर गाड़ी, आप देख सकते हैं। और इस रोड पे नाइट में ड्राइविंग तो बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है, नाइट में ड्राइविंग करना ही नहीं चाहिए कभी भी यहाँ पर, क्योंकि एक तो रोड भी ख़राब है, ऊपर से ये थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा ज़्यादा जंगल है, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, पर जो दोनों साइड जो जंगल है उसमें फेंसिंग की हुई है ताकि जंगली जानवर जो है रोड के बीच में ना आ पाए, लेकिन फिर भी कई बार जो है जानवर आ जाते हैं। पर अभी ये नई रेलवे लाइन बनी है जो कि दिल्ली राजारा से लेकर राव घाट तक चलने वाली है, और ऑलमोस्ट 90% इसका काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में BSF का कैंप भी है, और आगे आप देख रहे हैं वो भी BSF का कैंप है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि 90% काम हो चुका है। और ये पूरे रास्ते में बीच में थोड़ा सा हिस्सा जो है चौड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर रोड के बिल्कुल पास में है रेलवे लाइन, और शायद ऐसा लग रहा है इस जगह को देख के कि यहाँ पर आगे अभी रेलवे स्टेशन बनने वाला है, ताड़ोकी रेलवे स्टेशन। ये जो जगह है ये ताड़ोकी है, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के लिए तो ऐसा लग रहा है बहुत जगह है, हो सकता है आगे चल के बने यहाँ पर रेलवे स्टेशन। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर ये जो रास्ता है ये सकरा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटे से पहाड़ को काट के रोड बनाया गया है। लेकिन पहले जो रोड था वो जहाँ पर रेलवे लाइन है उस जगह पर, वहाँ पर ही रोड था और यहाँ पर आके सकरे रोड से कनेक्ट होता था। देखिए अब सामने से एक बस वाला आ रहा है ओवरटेक करते हुए। बस वाले हमेशा बहुत रफ चलाते हैं, रोड में बिल्कुल जगह नहीं है और वो ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ये शेड्स बने हुए हैं, यहाँ पर वीकली मार्केट लगता है, मेले वेले जो लगते हैं वो सब यहीं पे लगते हैं, और छोटा सा मार्केट भी है। इस रास्ते पे आपको ज़्यादा कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो एक दो ढाबे हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड में अभी एक ढाबा गया, ये भी छोटा सा ही ढाबा है, उसके अलावा छोटी छोटी टपरी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। तो इस रास्ते पर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अपना खाने पीने का सामान, पानी वगैरह अपना लेके चलना चाहिए। तो ये है ताड़ोकी गांव, पुलिस थाना ताड़ोकी। तो ये आ चुका राव घाट, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में BSF का कैंप है। यहाँ पे राइट साइड इनका एक ये छोटा सा हेलीपैड बना हुआ है, और यहाँ पर ये लोग मैंने कई बार देखा है कि जो एमिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, निशाना लगाने की प्रैक्टिस भी करते हैं इसी जगह पर। और यहाँ पर राइट साइड में भी एक जगह है, यहाँ पे भी ये लोग एमिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो राव घाट में मैं एक जगह रुका हूँ, मेरे को टपरी दिखी यहाँ पर, एक टपरी है यहाँ पर, मैं एक जगह रुका था, यहाँ पर है भिलाई इस्पात संयंत्र के सौजन्य से, अंदर एक कोई खदान वगैरह है, और यहाँ पर एक छोटी सी टपरी है,
मैंने वहां से ये लिया। तो हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद अब मैं फिर से निकल चुका हूँ। यहाँ से नारायणपुर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से अब थोड़ी सी घाटियाँ स्टार्ट होंगी और यहाँ पे ही थोड़ी आगे में दंतेश्वरी मंदिर है और एक पिकनिक स्पॉट है। तो ये एक छोटी सी घाटी है जहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड आपको मंदिर मिलेंगे। ऐसी जगह है ये, यहाँ पर एक मंदिर है और बहुत ही सकरी सी टर्निंग है यहाँ पर। यहाँ पर नीचे बाथरूम वगैरह बना हुआ है, लोगों के रहने की जगह है। और उस घाट से थोड़ा सा ही आगे चलने पे, मतलब लगभग 100-200 मीटर आगे चलने पे लेफ्ट साइड आपको मिलेगा यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर। यहाँ से रोड से उतर के थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। दंतेश्वरी मंदिर के थोड़ा आगे यहाँ पर महाकाल चरण पीठ भी है और एक दो और मंदिर बन रहे हैं। छोटा सा पोर्शन है, छोटे से दो कर्व हैं, ये जगह के बहुत ज़्यादा रिस्की मोड़ हैं। वैसे तो और भी हैं बहुत सारे रिस्की मोड़, जैसे मैंने पहले मंदिर के पास वाला दिखाया था, और भी हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। अब आप ये देख के रोड के चौड़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दोनों गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ भी अगर आजू बाजू से निकल रही हैं तो दोनों को नीचे उतारना पड़ता है। अब देखिए सामने से ट्रक आ रही है, तो लगभग पूरा ही उतारना पड़ेगा। अब ये है रावघाट का BSF कैंप, चेकिंग चल रही है क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है, चुनाव का टाइम है। तो अभी इलेक्शन का टाइम है इसलिए चेकिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, वैसे नॉर्मली भी यहाँ पर चेकिंग होती है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है नारायणपुर की बॉर्डर, अंतगढ़ और कांकेर की जो बॉर्डर है वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है और यहाँ से रोड की जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी बढ़ गई है और यहाँ से अब नारायणपुर है लगभग 8 किलोमीटर। तो अब मैं पहुँच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन जो कि है नारायणपुर।